हेलो दोस्तों, माई सेल्फ दिलीप गर्ग, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, जीपीसी करौली। टीटीसीएलआरडीसी द्वारा आयोजित इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हमारी सेकेंड ईयर की सब्जेक्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी CE207 उसकी यूनिट 8.5 रेनफोर्स कंक्रीट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने हमारे पुराने लेक्चर्स में डिस्कस किया था विभिन्न प्रकार की स्पेशल कंक्रीट, ये चैप्टर है पूरा, तो इसमें हमने डिस्कस किया था कौन सी लाइट वेट, ठीक है। साथ ही साथ में हमने डिस्कस किया था नो फाइंस कंक्रीट का, ठीक है। ये कंक्रीट के ही टाइप है, कौन सी स्पेशल कंक्रीट, ये सारे के सारे किसके स्पेशल कंक्रीट के टाइप हैं, तो लाइट वेट कंक्रीट हो गई, नो फाइंस कंक्रीट हो गई। तीसरी हमने डिस्कस की थी क्या, एरेटेड कंक्रीट, ठीक है। फिर इसके बाद हमने डिस्कस की थी हमारी हाई डेंसिटी कंक्रीट, और नेक्स्ट जो हमने डिस्कस की थी वो हमारी की थी पॉलीमर कंक्रीट, ठीक। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लास्ट अगला जो है वो है हमारी फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट। अब ये जो ऊपर की फिफ्थ जो पांच आपके पास स्पेशल टाइप की कंक्रीट है, इन पांचों टाइप की कंक्रीट को आप टीटीसी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर जाके वहाँ से आप इनको पांचों टाइप की स्पेशल कंक्रीट को आप नोट कर सकते हो, देख सकते हो, पढ़ सकते हो। अब जो हमारी ये वाली आपको फिफ्थ और सिक्स्थ, इसके आगे की जो भी है हमारी, ये मिलेगी आपको जीपीसी करौली के चैनल पे, तो वहाँ से जाके आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। तो डिस्कशन को आगे स्टार्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारी यहाँ फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट के बारे में। तो आप देख पा रहे हो अपने नोट्स को, तो डिस्कस करते हैं फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट होती क्या है, क्यों यूज में ली जाती है। जनरली आपने देखा होगा जो हमारी नॉर्मल जो कंक्रीट होती है, सादा जो कंक्रीट होती है, ठीक है, उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ठीक है, तनन क्षमता है, वो तनन सामर्थ्य जो है उसकी बहुत कम होती है, उसकी डक्टिलिटी बहुत कम होती है। साथ ही साथ में उसकी एक कमी ये होती है कि उसमें वो क्रैक्स जो डेवलप होते हैं, जो दरारें उत्पन्न होती हैं, उनको रोकने की उसकी रेजिस्टेंस पावर क्या होती है, कम। अब ये पहली दूसरी चीज़ आती है कि भाई ये दरारें उत्पन्न क्यों होती है, ये होती है आपकी ड्राइंग सिंकरेज और वॉल्यूम चेंज के कारण। जब भी आपकी कंक्रीट सेटल होती है तो उसमें पानी की कमी के कारण वो सिंक कर जाती है, साथ के साथ में उसमें कुछ ऐसे अनसाउंडनेस मटेरियल होते हैं सीमेंट में ज़्यादा हो जाए, या कहीं बाहर से कोई एक्स्ट्रा मैटर आ जाए, तो उसके कारण उसके वॉल्यूम चेंज बहुत तेज़ी से होता है, आपको बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, जिसके कारण क्या होता है, लोड लगने से पहले उस पर आप जब तक लोड ही नहीं लगाओ, जैसे मान चलो ये कंक्रीट की स्ट्रक्चर है, आपने बना दी, ये बीम बना दी, एक तो होता है कि लोड आ जाए, इस पर कोई लोडिंग लग जाए, और एक वो ये बना के आपने छोड़ दी सिंपली, तो इसके वॉल्यूम चेंज और ड्राइंग सिंक के कारण इसमें अपने आप ही क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। तो इन क्रैक्स में क्या है, इनकी तनन क्षमता और इनको लोड लेने की कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम, तो इसके कारण माइक्रो क्रैक्स उत्पन्न हो जाते हैं। अब ये ही माइक्रो क्रैक्स जो होते हैं वो इंटरनल क्रैक्स के रूप में रहते हैं, जिसके कारण कंक्रीट में ब्रिटलनेस की भी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। तो अब किया क्या जाता है कि प्राय जनरली ये देखा गया है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, अगर इस कंक्रीट को बनाते हैं, मतलब सिंपल कंक्रीट को बनाते टाइम हम इसमें स्मॉल क्लोजली स्पेस्ड और यूनिफॉर्मली डिस्पर्स फाइबर्स, जैसे फाइबर आपके कैसे भी हो सकते हैं, जैसे आपके जूट के फाइबर हैं, जैसे अपने घरों में जो टाट का होता है कपड़ा, तो उसमें जूट होती है, वो जूट का ही बना होता है, वो हो, या फिर छोटे छोटे स्टील के वायर हो, बहुत छोटे छोटे बारीक, तो ऐसे जैसे स्टील स्ट्रक्चर जहाँ पे कटिंग का काम होता है, तो वहाँ पे क्या है, स्टील के जो छोटे छोटे वायर बन जाते हैं उनको उठाया और कंक्रीट बनाते टाइम उसमें डाल दिया, तो इससे क्या होता है कि जैसे ये एक लेयर है और एक लेयर है, तो इनके बीच में वो एक बॉन्डिंग बना देते हैं, तो इसके कारण उसके स्टैटिक और डायनेमिक गुणों को ये क्या करते हैं, इम्प्रूव। तो यही देखा गया है कि जब भी हम स्मॉल क्लोजली स्पेस और यूनिफॉर्म डिस्पर्स पार्टिकल कंक्रीट में मिलाते हैं, तो वो क्या करता है, इन माइक्रो क्रैक्स को डेवलप होने से रोकता है। जैसे अगर मान के चलिए ये आपकी कंक्रीट स्ट्रक्चर है, जब आपने कंक्रीट बनाई होगी तो इसमें अपने फाइबर
डाल दिए होंगे, तो फाइबर कुछ इस तरह से होंगे कहीं डिस्पर्स, ठीक है, पास पास होंगे। तो अगर गलती से एक क्रैक डेवलप हो गया यहाँ पे, तो इस क्रैक को इस फाइबर ने बांधे हुए, मतलब इधर से भी रोका हुआ इधर से, अगर कोई अगर आप फाइबर नहीं मिलाते इसमें, सिंपल कंक्रीट होती तो ये क्रैक्स इस तरह से डेवलप हो जाते, तो यहीं पे लोड आता तो ये ब्रेक कर जाता। अब क्या होगा, इस क्रैक के कारण, फाइबर्स के कारण, जैसे फाइबर्स फैले हुए हैं आपके कैसे भी, अगर क्रैक्स आ गया ये क्रैक्स डेवलप हो गए, तो इस क्रैक्स को बढ़ने नहीं दे रहा। ये क्या करता है, जैसे स्टिचिंग का काम कर देता है, जैसे लगने पे टांके लगाते हैं ना, उस तरह से स्टिचिंग का काम कर देता है। अब बात आती है नेक्स्ट चीज़ जो आती है, कि जो फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट है हमारी, वह कंपोजिट मटेरियल होता है किसका। अगर बात करें कि एक्चुअली में फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट होती क्या है, तो फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट आपका एक कंपोजिट मटेरियल है, जिसमें सीमेंट मिक्स, मोटर मिक्स या कंक्रीट में डिसकंटिन्यूअस और डिस्क्रीट लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्पर्स फाइबर मिला दिए जाते हैं। जैसा कि हम बता रहे थे अभी कि कंक्रीट बनाते टाइम आप क्या करते हो, थोड़े से फाइबर लेते हो और उसको डाल देते हो, ठीक। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है, उनकी लंबाई सेम हो भी सकती है, नहीं भी है, बिखरे हुए होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्मली, कि भाई ऐसा नहीं है एक जगह पे तो बहुत ज़्यादा हो गए, एक जगह कम हो गए। अगर ये पूरी स्ट्रक्चर है तो हर जगह उनका रेशियो क्या होगा, सेम सा। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है टाइप्स ऑफ फाइबर यूज्ड। नेक्स्ट ऑफ टाइप्स ऑफ फाइबर यूज, तो आप देख पा रहे हो जनरली जो सबसे कॉमन होता है वो होता है स्टील फाइबर, फिर है पॉलीप्रोपाइलिन फाइबर, नायलॉन फाइबर, एस्बेस्टस फाइबर, ग्लास फाइबर, कार्बन फाइबर। अब जो फाइबर आप यूज ले रहे हो कंक्रीट बनाने के लिए, ठीक है, कंक्रीट को रेनफोर्स करने के लिए, वो जो उसकी एफिशिएंसी है फाइबर की, या फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट की, उसको, सॉरी, फाइबर रेनफोर्स जो कंक्रीट है उसकी एफिशिएंसी है, तो उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर जो आता है नॉलेज में, वो आता है टाइप ऑफ फाइबर, कि भाई इनमें से फाइबर कौन सा आपने यूज़ लिया है, फाइबर की ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री का मतलब फाइबर राउंडेड है, ठीक है, एलिप्टिकल है, लॉन्ग है, कैसा है, किस तरह से है। फाइबर का कंटेंट मतलब फाइबर की मात्रा कितनी है, उसमें आपने कितना कंक्रीट बनाते टाइम फाइबर कितना डाला है। दूसरी बात, ओरिएंटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइबर, कहने का मतलब क्या है, कि जैसे ये आपकी कोई स्ट्रक्चर है, इसमें फाइबर आपने इस तरह से प्लेस किया है, या इस तरह से सीधा प्लेस किया है, आड़ा प्लेस किया है, किस तरह से, यहाँ पे कितना आपकी मात्रा है फाइबर की, यहाँ कितनी मात्रा है, तो ये सारा कुछ ओरिएंटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन इस चीज़ पे इसको इफेक्ट करता है, किसको, जो हमारी फाइबर रेनफोर्स जो कंक्रीट है उसकी एफिशिएंसी को। साथ की साथ में मिक्सिंग एंड कॉम्पैक्शन टेक्निक, जो हम कंक्रीट मिक्स तैयार करेंगे, कौन सा, फाइबर रेनफोर्स वाला, उसमें फाइबर मिक्स करते टाइम आपने किस तरह से उसको मिक्स किया, हैंड मिक्सिंग है या मशीन मिक्सिंग है। साथ की साथ में कॉम्पैक्शन, आपने वाइब्रेशन से कॉम्पैक्ट किया है या सिंपल मैकेनिकल और किसी मीन से उसको कॉम्पैक्ट किया, तो ये सारा उसकी एफिशिएंसी को भी डिपेंड करता है। साथ की साथ में जो कंक्रीट बनाते टाइम आपने जो एग्रीगेट काम में लिया है, उसकी साइज और शेप, ये भी बहुत इफेक्ट करती है किसको, जो आपकी फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट है उसकी एफिशिएंसी को। तो आपसे, आप देख पा रहे हो, एक बार आप अपने नोट्स के लिए इसको पॉज करके बच्चों नोट कर लीजिए। मुझे लगता है कि आपने नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब लास्ट जो चीज़ आती है फाइबर रेनफोर्स में, वो आती है इसकी एप्लीकेशन, जो आपका फाइबर रेनफोर्स है उसको वो कैसे उपयोगी सिद्ध होता है। तो उपयोग में अगर देखें, बात करें, तो जैसा कि हमने बताया था कि जो फाइबर्स होते हैं वो क्रैक्स को ट्रैप्ड कर देते हैं, उनको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, रोक देते हैं, तो इससे क्या होता है, उसकी कंक्रीट की स्टैटिक और डायनेमिक जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। साथ की साथ में कई बार शॉक लोडिंग के कारण कोई एनर्जी वगैरह जनरेट होती है, तो ठीक है, तो वो क्या करता है, इसकी एब्जॉर्बिंग पावर को हील कर देता है, बढ़ा देता है, इसकी फटिग लाइफ को या फटिग स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। एक चीज़ आई नहीं यहाँ पे, कि फटिग स्ट्रेंथ क्या होती है। जैसा है आपने देखा हो कि किसी भी चीज़ पे अगर बार बार सेम टाइप की लोडिंग आती है एक ही जगह, तो वहाँ पे क्या है, लोड के रिपीटेशन के कारण क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, और एक टाइम बाद आता है कि वो ब्रेक कर जाता है। जैसे आप मान के चलिए, मैं आपको एग्जांपल अगर समझाऊँ, जैसे ये है कोई स्केल है, ठीक है, आप बार बार इसको रिवर्स ऑफ, फटिक मेनली फेल होता है, फटिक फेल के कारण रिवर्स ऑफ रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस के कारण, कैसे, आपने इसको एक बार ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे, तो बार बार क्या हो रहा है, आप इसको अल्टरनेटली मोड़ो या फिर इस तरह से, तो क्या होगा, एक टाइम के बाद स्ट्रेस आगे पीछे ऐसे वेरी कर रही है, तो एक बार
जैसे ही आपका मटेरियल है, एक बार आपने स्ट्रेस इधर से लगाया, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, बार बार रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस के कारण क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि कहीं ना कहीं उसमें क्रैक आ जाएगा और वहीं से वो फेल हो जाएगा। आपको याद हो तो जो फ्लेक्सिबल पेमेंट की अगर बात करें हाईवे में, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट का जो मेन, फ्लेक्सिबल पेमेंट हो आपका या फिर रिजिड पेमेंट हो, कोई सा भी हो, तो वहाँ पे जो फेलियर होता है उसमें एक फटिक फेलियर भी आता है। क्यों आता है कि बार बार किसी पॉइंट पे अगर वही सेम टाइप का लोड आ रहा है तो उसके कारण क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। दूसरा जो फाइबर रेनफोर्स है कॉन्क्रीट है, इसका यूज़ किया जाता है प्रीकास्ट प्रोडक्ट बनाने में, जैसे आपके पाइप्स हो गए, बोट हो गई, बीम्स, स्टेयर केस हो गए, वॉल पैनल हो गई, मेन होल कवर। मेन होल कवर क्या है, आपके जो आपके सीवेज जो सिस्टम होता है, या घरों से जैसे पाइपलाइन निकलती है, तो ये पाइपलाइन सारी एक रोड पे किसी एक मेन पॉइंट पे आके मिलती है, तो उसके जो ढक्कन वगैरह होते हैं, तो ये होता है मेन होल, और ये इस पे जो ढक्कन होता है वो रेक्टेंगुलर या सर्कुलर कैसे भी हो सकता है, ये होता है आपका मेन होल कवर। तो इनको बनाने में भी काम में आता है। साथ ही साथ में ब्रिज का जो डेक होता है, जो ब्रिज होता है उसका जो सरफेस होता है डेक, उसको बनाने में काम में आता है। कैनाल की लाइनिंग करने में भी फाइबर रेनफोर्स का काम आता है। क्यों आता है, क्योंकि देखो वहाँ पे क्या है, पानी बहुत प्रेशर से आता है, ठीक, और पानी हर टाइम कांटेक्ट में होता, हो सकता है कि कहीं पे अगर क्रैक्स डेवलप हो गए तो वो पानी उनमें से स्वीप कर जाएगा। तो जो एक्चुअल आपकी क्वांटिटी आपको प्रोड्यूस करनी है, लोगों को देनी है कैनाल के थ्रू, वो आपकी लॉस हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि वो क्रैक्स डेवलप ना हो, तो इसलिए फाइबर रेनफोर्स के थ्रू उन क्रैक्स को ब्लॉक कर देते हैं। लास्ट में जो इसका यूज़ लिया जाता है वो लिया जाता है रिफ्रैक्टरी लाइनिंग में। रिफ्रैक्टरी लाइनिंग मतलब जो आपकी भट्टी वगैरह होती हैं, जहाँ पे मतलब ब्रिक्स वगैरह या कुछ इस तरह का काम होता है, तो उसको आपको उसकी सरफेस को बांधने के लिए, कि भाई वहाँ पे भी कोई क्रैक्स डेवलप ना हो। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट डिस्कशन का जो टॉपिक आएगा दोस्तों, अगले डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे हमारी शॉर्ट कंक्रीट के बारे में, फिर हमारी बची हुई RMC रेडीमिक्स कंक्रीट, फिर आपकी FRO सीमेंट और हाई परफॉर्मेंस सीमेंट। ये तीन चार तरह की और कंक्रीट हमारी स्पेशल टाइप्स के कंक्रीट में इंक्लूड होती है। आज के सेशन के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू दोस्तों।